श्रीनगर के लाल चौक में अभी हम मौजूद है, जहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। आपको बताएं चंद्रयान 3 जो 11 जुलाई इसी साल जो लॉन्च किया गया और 40 दिन बीतने के बाद आज चंद्रयान 3 ने मून पे जो है सेफली लैंड किया। और बाजा तो स्क्रीन आप देख रहे हैं जहां पे इसरो की टीम और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ इसरो की सारी टीम मौजूद थी और चंद्रयान की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई गई है। और सेफर जो है चंद्रयान 3 ने, जैसे ही चंद्रयान 3 ने लैंड किया, लगभग आप 6:02 पे चंद्रयान 3 ने मून पे लैंड किया, तो उसी टाइम यहाँ पे जश्न का माहौल था। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ के नॉन लोकल्स और बाकी जितने भी लोग यहाँ पे थे उन्होंने यहाँ पे जश्न मनाया। तो कुल मिला के चंद्रयान 3, इससे पहले चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था लेकिन वो टेक्निकल कारण की वजह से वो अनसक्सेसफुल हुआ था। लेकिन इस साल लगभग 11 जुलाई के आसपास चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। लगभग आज 40वां दिन है और आज 40वें दिन पे उसने मून पे लैंड किया है। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, जेके न्यूज पॉइंट, श्रीनगर। बड़ी खुशी है ये इंडिया के लिए, सबसे बड़ी खुशी है इंडिया के लिए और हम सब इंडियंस के लिए। तो आप श्रीनगर में आपने चांद पे जो है लैंड करते हो तो किस तरीके आपको खुशी है? हमें बहुत खुशी हुई, हमने सोचा नहीं था हम श्रीनगर में लाल चौक में ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। हम अंदर शॉप्स में शॉपिंग कर रहे थे उस साइड से और हम फोन में देख रहे थे, फिर यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा लाइव स्ट्रीम हो रही है, हम यहीं पे ही खड़े रह गए देखने के लिए और हमें बहुत अच्छा लगा, हमने ये लाल चौक में लाइव स्ट्रीम पे देखा। थैंक यू। और किस तरीके किसको क्रेडिट देना चाहते हैं आप, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है देश को? मोदी साहब को, ऑब्वियसली मोदी सरकार, और हाँ और जो साइंटिस्ट ने काम किया है उस पे, देश के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का क्षण है। हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमें नए हीरो मिले हैं, इसरो के वैज्ञानिकों के रूप में देश को नए हीरो मिले हैं। अब बच्चे, कोई फिल्म स्टार को फॉलो करता है, कोई क्रिकेटर को फॉलो करता है, तो अब इसरो के वैज्ञानिकों को फॉलो करेगा कि देखिए उन्होंने मंगलयान पर, मंगल पर क्या किया, उन्होंने चंद्रमा पर क्या किया, अब हमारी बारी है, हम नया कुछ कर दिखाएंगे। देश में 10 लाख से ज्यादा युवा जो इसका आज की इस चंद्रयान का फायदा आने वाली पीढ़ी को होगा, जब नए वैज्ञानिक तैयार होंगे जो देश के लिए कुछ कर दिखाएंगे। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और नरेंद्र मोदी जी, जिनकी प्रेरणा से, देखिए सरकार की इच्छा शक्ति होती है किसी कार्य को करने के लिए, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है कि इस कार्य को हमको जरूर करना है तो वो कर पा रही है और बधाई के पात्र हैं हम। धन्य है कि हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले। हम कहेंगे 2 टर्म और आए, उसके बाद ही योगी जी का नंबर आए और देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण। और सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।